side of it. राम राम सबने और गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह की गुड मॉर्निंग आज हमारी हुई है हरिद्वार में। हरिद्वार में यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हर की पौड़ी के लिए रास्ता यहीं पे जा रहा है ये, और बारिश हो रही भाई, पूरी रात से बारिश चली रही है, बंद ही ना हुई। बीच में आ रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, पूरी रात हो गई ऐसा ही। तो बम बोले जय जय श्री महाकाल। और बीतते हुए ही आए हम तो, देख कोई हमने पन्नी ली। अब हम पहुंचे हैं पार्किंग में, अपनी बाइक कर दी है खड़ी, और यहाँ पे ये पार्किंग है। और देख सकते हो आप कि भीड़ नीचे ऊपर कितनी ज़्यादा है। तो देखो अब हम जाएंगे दर की पौड़ी, दर नहाएंगे पहले, उसके बाद आगे चलते हैं, वो दिखाएंगे आपको। थैंक यू। तो भाई पहुंच गए हैं, और पानी का बहाव देखो, काफ़ी अच्छा बहाव है पानी का। सुबह 6:30 बजे गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं, और ये देखो पानी का बहाव काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी स्पीड से पानी आ रहा है देखो। तो गाइज यहाँ पे देखो कावड़ को तैयार करके रखा जा रहा है, अब जल से गंगा जल से वो करा के, और उसके बाद निकलेंगे। और ये देखो सभी कावड़ तैयार हैं खाने के लिए, पूजा करके और हम निकलेंगे सभी भोले बाबा सब निकलेंगे उसके लिए। और गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मनसा देवी मंदिर के यहाँ पे तो इतने कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तो, यहाँ पर रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे कम है। तो गाइज यहाँ पे हर की पौड़ी पे काफ़ी लंबी है, तो घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आओ, सिस्टम हैंग हो रहा पड़ा है देखो। और गाइज भांग पियो आप, ये देखो ये भांग के लिए स्पेशल लगाया हुआ है, भांग घोट घोट कर ना कुर्ता फाड़ दियो अपना, देखो ना ये छोटी छोटी चीजें दिखानी पड़ती है वीडियो में, यूं ही ना चले वीडियो, गुणा भाग जोड़ माइनस करके जब 100% चलती है। तो गाइज देखो इस साइड आए हम, आगे चले हैं तो काफी भीड़ है। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, और भाई अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ा और भीड़ बढ़ेगी। और देखो गाइस धुंध देखो कैसे बिल्कुल फोग टाइप की आ रखी है, देखो मौसम साफ है बट देखो धुंध देखो किस तरीके का मौसम हो रखा है, मतलब बादल है, बारिश हो रही है ना उसकी वजह से शायद हो रहा है ये। और गाइस हवा भी ऐसी चल रही है ना जैसे, तो बिल्कुल चिल्ड जैसे सर्दियों में चलती है, ऐसा हवा चल रही है, चिल्ड वाली हवा बिल्कुल। तो गाइस देखो भीड़ कितनी तगड़ी है यहाँ पे, इस साइड यहाँ पे, अब देखते हैं कितने देर में नंबर आता है नहाने के लिए। भाई नहाने के लिए भी वेट करना पड़ेगा, देखो धूप
कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं फोगा रखी है, पता ही नहीं भाई क्या क्या मजा है। तो गाइज नहा धो के अब हो गए हैं फ्री, हल्की पौड़ी से फ्री होके अब जा रहे हैं, अब देखते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद में फिर दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। थैंक यू। तो गाइज भक्तों ने कावड़ उठा ली और जल उठा के निकल रहे हैं, कावड़ उठा के अपने, और इस साइड जो ये देख रहे हो अंदर तो जाने का पता नहीं मुझे रास्ता कहाँ से है, यहाँ पे बनती है कावड़ जो ये लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बनती है ये कावड़, जो भी जैसा भी लगवाना है अपनी मर्जी से जो भी करवाना है वो अपना लगवा के जिसके अकॉर्डिंग, और रहता बहुत ज़्यादा महंगा है इनका सिस्टम सारा। देखो भीड़। तो गाइस हम घंटा घर पे यहाँ पे आ गए हैं और जा रहे हैं वहाँ पे भोले बाबा के, जो मैं दिखाता हूँ आपको ये भोले बाबा की जो तस्वीर है, वालों की बहुत ज्यादा भीड़ है, देखो भाई जनता घर पे काफी ज्यादा भीड़ है। आज बहुत ज्यादा कावड़ उठने के वो है कि जिला कावड़ सबसे ज्यादा आज उठने वाली है। अब आ गए हम बाबा भोले की, ये मूर्ति है इसके पास जा रहे हैं इसके पास और दिखाएंगे हम आपको। बहुत ज़्यादा आती है ये सोशल मीडिया पे, तो हम भी आपको इसके बारे में दिखाएंगे और बताएंगे क्या है, और मैं आपको दिखाता हूँ दूर से कौन सी वाली तस्वीर में बाकी है। वो पार्क स्वामी विवेकानंद पार्क जिसमें भोले बाबा की इतनी विशाल तस्वीर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। ये है वो भोले बाबा की तस्वीर, भोले। तो गाइस अब हम हाथ धो के हो गए हैं फ्री, घूम फिर के हो गए हैं फ्री, और अब अपने जा रहे हैं पार्किंग में, और इसके बाद अब निकलेंगे, देखते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कावड़ियों पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, तो देखते हैं कितने टाइम में यहाँ से निकला जाएगा। थोड़ा निकलना मुश्किल है पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल जाएंगे। तो अब इधर का दिखाते हैं कितना क्या ट्रैफिक मिलता है, नहीं मिलता है, क्या परेशानी होगी, जो जो बताएंगे। तो गाइज काफ़ी देर हमने वेट किया बारिश का, बारिश रुक नहीं रही, तो हमें बारिश में निकलना पड़ेगा क्योंकि लेट हो जाएंगे घर वापस जाते टाइम, तो इसलिए अब
हमने अपना कैमरा उतार के रख रहे हैं, और वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और गाइस बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, जो भी गलत लगा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।